आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। गाइस, यहाँ पर एंगल जो है, एक एक्स एंगल जो है, तीनों एंगल्स का दिया गया है और एक एंगल नहीं दिया है, वही एंगल को हमें निकालना है। वो एंगल अभी क्वेश्चन में एक्स बोल के दिया है। तो चलिए गाइज, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है गाइज, ये क्वेश्चन हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये जो फिगर दिया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका फोर साइड से, मैं इसको नेम दे देता हूँ हर एक साइड को, हर एक वर्टिसेस को एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी बोल के मैं इसका नाम दे दिया। गाइस, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है और हम लोगों को पता है सम ऑफ एंगल्स निकालने के लिए, क्या पता है सम ऑफ एंगल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन। गाइस, उससे पहले जो क्वेश्चन था, हम लोग सम ऑफ एंगल्स निकाल चुके थे एक फॉर्मूला अप्लाई करके। वह फॉर्मूला क्या था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एक ये फॉर्मूला था, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने लिखा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें निकालना है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। गाइस, इतना जानने के बाद हमें क्या करना है, पहले हम लोग सम ऑफ एंगल्स निकाल देंगे। चलिए, तो पहले हम लोग अगर सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला डाल के, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स होता है, फोर साइड्स है। यहाँ पे कितना साइड्स है, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल का फोर साइड्स है। Therefore, हम लोगों का यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 4 है। तो n इज इक्वल टू जब 4 हो जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल्स हमें कितना मिला क्वाड्रिलेटरल का, 360 डिग्री। और गाइज, ये डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चारों एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो चलिए वही हम लोग अभी करने वाले हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, हमें कितना मिला चारों एंगल का सम, 360 डिग्री मिला गाइस। तो मैं वही लिख दिया 360 डिग्री। अभी क्वेश्चन के हिसाब से जो जो वैल्यूज दिया गया है हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे। एंगल ए कितना है, 50 डिग्री है, तो एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 130 डिग्री है, एंगल सी 120 डिग्री है और एंगल डी एक्स है। तो वही अभी हम लोग अभी डालने वाले हैं, जो जो एंगल का वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग डाल देंगे अभी यहाँ पे। तो एंगल, और मैं लिख लूंगा, दैट इज इक्वल टू 50, एंगल ए 50 डिग्री है, प्लस एंगल बी कितना है, 130 डिग्री है। एंगल बी अगर आप लोग देखेंगे तो एंगल बी कितना है, 130 डिग्री, प्लस एंगल सी, एंगल सी कितना है, 120 डिग्री है, मैं वही लिख दिया, प्लस एंगल डी एक्स, हम लोग का एंगल डी एक्स है और यही एक्स हमें निकालना है अभी, यही एक्स का वैल्यू हमें निकालना है अभी। चलिए, और दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 130 प्लस 120, कितना हमें मिल रहा है, 50 प्लस 130 180 प्लस 120 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 हो गया गाइस, और x इज इक्वल टू 360 माइनस 300। ये कैसे हुआ, मैं लेफ्ट साइड पे जो 300 है उसको मैं राइट साइड को जब मूव कर दिया वो नेगेटिव होके आ गया, लेफ्ट साइड पे प्लस 300 था, मैं उसको जब राइट साइड को मूव कर दिया वो नेगेटिव हो गया, इसलिए वो माइनस हो गया 360 से। तो हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 360 माइनस 300 मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 60। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो गाइज, यही है हम लोगों का आंसर, क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें मिला x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये 60 डिग्री क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग डायग्राम को देखेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो 60 डिग्री हम लोग अभी निकाले, यही एंगल का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, 60 डिग्री।
ये यही एंगल का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री। होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर भी इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।